जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये इंटरनेशनल ट्रैफिक साइंस के जो शेप्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये टोटली जो है तीन शेप्स मिलेंगे आपको। एक ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाली एरो में देखें, ऊपर वाली लाइन में देखें, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया और रेक्टेंगल हो गया। साइन बोर्ड्स जितने भी हैं आपको इन तीन शेप्स में नज़र आएंगे। यानी ट्रायंगल होगा या सर्कल शेप में होगा या रेक्टेंगल शेप में होगा। ये सिक्योर टाइप में भी हो सकता है और रेक्टेंगल में भी हो सकता है। इसका कलर चेंज हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रे में भी कभी कभी मिलेगा, कभी कभी वाइट में भी मिलेगा। जो ये होता है सर्कल में, ये मैंडेटरी साइन बोर्ड है, लाजमी साइन बोर्ड है, आर्डर साइन बोर्ड भी बोलते हैं इनको। और इसकी जो है मज़ीद सब कैटेगरी दो हैं, जिसमें एक जो है लाजमी है, आर्डर है, जो कि नॉट अलाउड करता है, किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोहिबिशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की लिमिट तय करने के लिए होता है। और दूसरा जो है ये लाजम करना होता है, यानी आपको वो चीज़ अंजाम देना होता है, कंप्लीट करना होता है, या ये उसका हक बनता है। और जो आखिरी है ट्रायंगल वाला, ये जो है ये वार्निंग साइन है, या उर्दू में या हिंदी में इसको एहतियाती साइन बोर्ड बोलेंगे। ठीक है जी, ये जो दो साइन बोर्ड हैं फिर ये आर्डर में होते हैं। इनकी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे ये अगर सर्कल में होगा, इसके अंदर अगर कोई गाड़ी होगी तो इसका मतलब है वो गाड़ी अलाउड नहीं है। जैसे कार है, बस है, ट्रक है, साइकिल है, पैदल चलने वाले की तस्वीर है, तो इसका मतलब है वो अलाउड नहीं है। सेम अगर वही चीज़ इधर नज़र आएगी, यानी साइकिल है, तो इसका मतलब है सिर्फ साइकिल जाएगा, ये साइकिल वाले का हक है। इसी तरह पैदल वाले की तस्वीर है तो इसका मतलब है सिर्फ पैदल वाला जाएगा, या पैदल वालों का रास्ता है। इसी तरह बस का है तो इसका मतलब है ट्रैक फॉर बसेस है, सिर्फ यहाँ पे बस का हक बनता है। इसी तरह अगर मज़ीद इसको एक्सप्लेन करें, अगर यहाँ पर राइट एरो बना हो या लेफ़्ट एरो बना हो या यू टर्न बना हो, बाज़ को लाइन देते हैं, यानी ऐसे लाइन होती है, और बाज़ को नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आप राइट नहीं जा सकते, लेफ़्ट नहीं जा सकते, यू टर्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पर हो ब्लू में, राइट एरो हो ऐसे, या लेफ़्ट एरो हो ऐसे, या स्ट्रेट हो, तो इसका मतलब ये है कि लाजिम तौर पर आपको राइट जाना है, आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं। यू मस्ट गो राइट, यू मस्ट गो लेफ्ट, यू मस्ट गो स्ट्रेट, तो ये लाजिम हो जाता है आपका जाना यहाँ पर। इसी तरह जब इसके अंदर कोई लिमिट देनी होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर किसी गाड़ी की हाइट की लिमिट देनी है, तो ऊपर से छोटे एरो दे के यहाँ पर आपको उसका हाइट बता दी जाती है, 3.5 मीटर हाइट है, सो दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्हीकल। यहाँ पर इधर एरो होंगे और यहाँ पर उसका मीटर में हाइट होगी। अगर 3.8 मीटर या 4.5 मीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम विड्थ दे सकता है, मैक्सिमम वेट दे सकता है, मैक्सिमम लेंथ दे सकता है किसी भी गाड़ी की। इसी तरह मैक्सिमम स्पीड दे सकता है, 60 की स्पीड लिखी हुई है, तो इट्स मीन 60 इज़ द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। 80 की स्पीड है तो 80 से ऊपर नहीं जा सकते, 100 की स्पीड है तो 100 से ऊपर नहीं जा सकते। तो यानी ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ये रेड सर्कल में साइन बोर्ड। और इसी तरह इसमें जो है हाइट, विड्थ, लेंथ या वेट की कोई कैपेसिटी नहीं दी जाती, यानी ये ज़्यादा यूज़ होता है नॉट अलाउड वाला, ये जो है ये किसी चीज़ के लिए हक के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी में विड्थ का, लेंथ का तो नहीं होगा, लेकिन एक 60 का मिलता है, 60 यहाँ पर लिखा होगा, तो इसका मतलब है 60 पे चलाना ज़रूरी है, यू मस्ट गो ऑन 60 या इससे ज़्यादा चलाएं, यानी ये मिनिमम स्पीड लिमिट है। ये मोटरवे के ऊपर साइन बोर्ड लगा होता है 60 का, कि 60 पे चलाना ज़रूरी है या इससे ज़्यादा चलाएं, इससे कम नहीं चला सकते, तो ये जोर देता है 60 या अबव 60। इसी तरह अगर इसमें 60 होगा, सो इसका मतलब ये होगा कि ये मैक्सिमम 60 है, ये शहर का स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड होता है,
ये मोटरवे का होता है। इसी तरह इसके अंदर कभी कभी आप राउंड अबाउट देखेंगे, ख़ास तौर पर राउंड अबाउट के बिल्कुल नज़दीक ये साइन बोर्ड होता है। सो इट्स मीन्स यू मस्ट इंटर इन द राउंड अबाउट, आपको अब राउंड अबाउट में इंट्री करनी ही करनी है। ये लाजिम हो गया है कि एंटी क्लॉक वाइज आपने राउंड अबाउट के अंदर इंट्री करनी है। आपने राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट जाना है या फुल लेफ्ट जाना है, ऐसी सूरत में आपको एंटी क्लॉक वाइज इंट्री करके फिर आप लेफ़्ट या राइट या यू टर्न कर सकते हैं जी। और इसी तरह ये रेक्टेंगल का जो साइन बोर्ड है ये डायरेक्शन देता है और डेस्टिनेशन बताता है, नोटिस भी देता है, जैसे आगे जी पार्किंग है, आगे हाईवे शुरू हो रहा है। स्क्वायर टाइप में भी ये हो सकते हैं और ये रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। किसी साइन बोर्ड के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर भी दे सकता है, जैसे मज़दूर काम कर रहे हैं, 100 मीटर के बाद मज़दूर काम कर रहे हैं तो 100 मीटर का नीचे लिखा होता है, तो वो भी इसी में आ जाता है, नोटिस दे देता है पहले से एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इसी का कलर चेंज होता है, नीला भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है और इसी तरह ग्रीन कलर में भी हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि डायरेक्शंस के तौर पर आपको मिलेगा जी 2 रोड या 3 रोड अबू धाबी जा रहे हैं, राइट अगर आप निकल जाएंगे तो आप दुबई की तरफ निकल जाएंगे, तो ये डायरेक्शंस हो जाती हैं। और इसी तरह आपको कभी कभी मंतका के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, किसी गवर्नमेंट इदारे के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो इस तरह की ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी रेक्टेंगल में आती है। ये ना वार्निंग में है ना ये ऑर्डर में है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है जी, इनको बाद में फिर एक्सप्लेन करते हैं, सारे साइन बोर्ड इन्हीं के अंदर आ जाते हैं।